दोस्तों, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए रोमांचक और हाई स्कोरिंग मैच में राजस्थान ने शानदार तरीके से जीत दर्ज कर ली। अगर आपको राजस्थान की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेकिन राजस्थान की जीत में और मुंबई की हार में महेंद्र सिंह धोनी का काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया, और ये नुकसान हुआ हार्दिक पांड्या की वजह से। जी हाँ, हार्दिक पांड्या अगर राजस्थान के बेन स्टोक का एक कैच ना छोड़ते तो शायद बेन स्टोक की पारी इतनी शानदार ना होती और मुंबई इंडियंस इस मैच को आसानी से जीत जाता। और मुंबई इंडियंस की हार के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी का सफर इस टूर्नामेंट में खत्म हो गया। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अब आईपीएल के क्वालिफाई रेस से बाहर हो गया है। जी हाँ, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हाई स्कोरिंग मैच में शानदार तरीके से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की धुआंधार पारी की बदौलत 195 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा किया। 195 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद राजस्थान जब बल्लेबाजी करने उतरा तो मुंबई इंडियंस ने शुरुआत बेहतरीन की, लेकिन इसके बाद बेन स्टोक और संजू सैमसन ने जो पारी खेली वो लाजवाब थी। बेन स्टोक ने 107 रन बनाए, वो भी महज 60 गेंदों में। वहीं संजू सैमसन ने 31 गेंदों में धुआंधार 54 रन की पारी खेली। लेकिन इस दौरान एक ऐसी चीज हुई जो कि पूरे मैच को पलट सकती थी। कुणाल पांड्या की एक बेहतरीन गेंद पर बेन स्टोक ने शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद हवा में चली गई। गेंद हवा में जाने के बाद हार्दिक पांड्या ने ये आसान सा कैच छोड़ दिया। जिस समय ये हार्दिक पांड्या ने कैच छोड़ा उस समय बेन स्टोक महज 26 रन पर थे, और उसके बाद बेन स्टोक कहीं नहीं रुके और उन्होंने 107 रन की पारी खेलकर राजस्थान को बड़ी जीत दिला दी। इस राजस्थान की जीत के साथ राजस्थान का रन रेट चेन्नई सुपर किंग्स और बाकी टीमों से बेहतरीन हो गया है, जिस कारण अब चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई की रेस से बाहर हो गई है। हार्दिक पांड्या की एक गलती ना सिर्फ मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ी बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने टूर्नामेंट से ही बाहर करा दिया। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हाँ, राजस्थान की जीत अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि राजस्थान की तरफ से आज संजू सैमसन और बेन स्टोक ने शानदार पारियां खेली।